सोच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दों के साथ साथ कई ऐसे राजनीतिक मुद्दे हैं जो कभी भी खत्म होने का नाम नहीं लेते। उत्तर प्रदेश राजनीतिक शास्त्र के छात्रों के लिए शोध का प्रदेश है। यहाँ पर अलग अलग विषयों पर वो शोध कर सकते हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा हो रही है या होती आई है, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि विपक्ष एक व्यक्ति को लेकर के काफ़ी सजग दिखाई दे रहा है और उसका नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम ओहदा रखने वाले आजम खान। एक लंबे समय से आजम खान जेल की सलाखों के पीछे हैं। लगातार आजम खान के ऊपर एक के बाद एक मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। लगातार आजम खान के मुकदमों पर सुनवाइयां भी हो रही हैं, उन्हें जमानतें भी मिलती आई हैं, लेकिन जैसे ही एक मामले में मुकदमे में आजम खान को जमानत मिलती है, उनके ऊपर कई और मुकदमे लाद दिए जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये पूरी कोशिश और पूरा प्रयास प्रशासन की तरफ से है कि पूरा का पूरा फोकस आजम खान के ऊपर ही रखा जाए। उन्होंने अब तक क्या किया, क्या नहीं किया, किस तरह से, कहां पर कौन सी प्रतिक्रिया देनी है, इस पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई देता है। आजम खान को जब लगता है या उनके परिवार को जब लगता है या उनके समर्थकों को जब लगता है कि आजम खान अब सलाखों से बाहर आ जाएंगे, तत्काल प्रभाव से एक नया मुकदमा उनके पर लाद करके ये बता दिया जाता है कि भाई साहब अभी आप अंदर ही रहिए। कुछ ऐसा ही बीते दिनों भी हुआ। फिलहाल आजम खान के ऊपर अगर बताया जाए तो कुल 87 मुकदमे दर्ज हुए थे। 87 में से उनके ऊपर 86 ऐसे मुकदमे थे जिनमें उन्हें जमानत मिल गई थी और एक मुकदमे में अभी कल उन्हें जमानत मिली है। लेकिन उनके बाहर आने का रास्ता जैसे ही खुलता, उसके पहले ही एक नया मुकदमा आजम खान के ऊपर लाद दिया गया। मुकदमा एक स्कूल के नाम पर 3 स्कूलों का रजिस्ट्रेशन करवाने का। इसके अलावा आजम खान के ऊपर कई सारे मुकदमे ऐसे दायर हैं जिसको लेकर के चर्चाएं लंबे समय से होती आई हैं। लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख केंद्र बने आजम खान। पहले अपनी राजनीति से चमकते रहे और अब अपने मुकदमों को लेकर के चमकते नजर आ रहे हैं बीते 5.5 सालों से। अगर आजम खान के मुकदमों की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं आजम खान के ऊपर बकरी चोरी का मुकदमा है और कई और चोरियों के मुकदमे हैं, जमीन कब्जाने का मुकदमा है, भैंस चोरी तक का मुकदमा आजम खान के ऊपर लिखा गया है। कॉलेज की जमीन को लेकर के भी मुकदमा लिखा गया है कि उन्होंने अनऑथराइज तरीके से कई जगहों पर जमीन को कब्जाया था। अन्य अन्य तरीकों से आजम खान के ऊपर मुकदमे लिखे गए थे, जमानतें उन्हें मिलती गई, लेकिन मुकदमे एक के बाद एक उनके ऊपर लदते रहे। फिलहाल इस वक्त उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं तो उसके बाद से आजम खान का जो मामला है वो काफी हाईलाइट हो गया है। लगातार आजम खान को लेकर के राजनीति गर्म है। कभी आजम खान कि समाजवादी पार्टी से नाराजगियों की खबरें चलती हैं, कभी आजम खान के समर्थक कुछ ऐसे वीडियोस या कई ऐसे बयान जारी कर देते हैं जिसमें वो ये बता देते हैं कि आजम खान और आजम खान का पूरा जो कुनबा है, उसके साथ जो मुस्लिम वोटर है, वो समाजवादी पार्टी के रवैये, समाजवादी पार्टी और नेता अखिलेश यादव से काफी नाराज हैं। और उसी कड़ी में इस पूरी खाई को पाटने के लिए आजम खान को मनाने की कवायद भी लगभग शुरू हुई थी बीते दिनों में, जब सबसे पहले जयंत चौधरी जो कि अलायंस पार्टी में है समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में विपक्ष में वो भी भूमिका निभाते हैं, जयंत चौधरी आजम खान के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे, उन्होंने मुलाकात की थी और उसके बाद इस बात का जिक्र किया था कि आजम खान के साथ सही नहीं हो रहा है। और फिर उसके बाद टर्निंग पॉइंट वो हुआ जब शिवपाल सिंह यादव ने आजम खान को लेकर के पहले अखिलेश यादव फिर अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव के ऊपर सवाल खड़े कर दिए कि नेताजी अगर चाहते तो शायद लोकसभा में इस पूरे मुद्दे को लेकर के चर्चा हो सकती थी। अखिलेश ने कभी कोशिश नहीं की, समाजवादी पार्टी ने कभी कोशिश नहीं की, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था कि अखिलेश जानबूझ के आजम खान को बाहर नहीं निकलना देना चाहते हैं और बिल्कुल उसी तरह से हो भी रहा है। इस तरह के आरोप शिवपाल सिंह यादव लगातार लगाते आ रहे हैं।
लेकिन इन सबके बीच में अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया लेना और प्रतिक्रिया जानना बहुत जरूरी है कि आखिर अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर क्या बोलते हैं। एक ताजा बयान आया है जिसमें अखिलेश यादव ने इस बात का जिक्र किया है कि आजम खान के साथ या उनके परिवार के साथ जो भी हो रहा है वो दरअसल सही नहीं है। 72 साल की उम्र में स्वास्थ्य की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे आजम खान को सरकार जानबूझकर बाहर नहीं आने देती देना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार, हाई कोर्ट की सख्ती और फैसला आ जाने के बाद भी फैसला ना सुना जाना, ये कहीं ना कहीं उस श्रेणी में खड़ा करता है जहां ये साफ साबित होता है कि सरकारें उत्तर प्रदेश की ये नहीं चाह रही हैं कि आजम खान बाहर आए। लेकिन अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि हम आजम खान की लड़ाई को लेकर के जनता के बीच जाएंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे और उम्मीद है कि बहुत जल्द आजम खान बाहर भी आ जाएंगे। लेकिन एकाएक आजम खान को लेकर के इतनी राजनीति उत्तर प्रदेश में क्यों गर्म हो गई? अब अखिलेश यादव भी इसमें आ गए, क्योंकि अभी तक तो अखिलेश यादव आजम खान की सुध नहीं ले रहे थे, अब अचानक से अखिलेश यादव को आजम खान की याद क्यों आ गई? वो भी तब जब उनके खुद के चाचा शिवपाल सिंह यादव आजम खान की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है अखिलेश यादव को कि हाँ मुस्लिम वोट खिसक सकता है, आजम के मुद्दे पर अगर नहीं बोलेंगे, आजम खान से अगर मुलाकात नहीं करेंगे या उनकी रिहाई के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जमानत के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो नुकसान हो सकता है? इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। अखिलेश यादव का वो बयान सुनिए, बयान सुनने के बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूँ। उम्मीद है कि जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहस चल रही है, बहस भी पूरी हो चुकी है, बहुत जल्दी आदरणीय आजम खान साहब बाहर आएंगे और सरकार की लगातार ये कोशिश रही है कि उन पर इतना दबाव हो, कानूनी इतना शिकंजा रहे कि वो बाहर ना निकल पाए। हमें उम्मीद है, समाजवादियों को और पूरी जनता को उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपको रूबरू कराऊंगा, फिर इस डिबेट को शुरू करूंगा। केसी जैन साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आरिफ महमूद हमारे साथ आरएलडी से जुड़े हुए हैं, सत्यजीत साहब हमारे साथ प्रसपा से जुड़े हुए हैं और रजी हसन हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों को आज के इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सत्यजीत जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। अचानक से अखिलेश यादव की तरफ से ये बयान आ गया, उम्मीद किसी को नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आजम खान के साथ सही नहीं हो रहा है, सरकार नहीं चाहती कि वो बाहर आए, लेकिन अब वो जल्दी बाहर आएंगे, लड़ाई हम भी लड़ सकते हैं, ऐसा उन्होंने बंद दरवाजे से या बोला जाए कि पीछे से कहा है। लेकिन ये सब तब हो रहा है जब आप लोगों ने आजम खान को लेकर के स्टैंड किया, तो क्या आप लोगों के स्टैंड का इंतजार समाजवादी पार्टी कर रही थी या उनको ये लग रहा है कि आजम खान के मुद्दे पर अगर अब बात नहीं करेंगे तो ये जो एम वाई वाला फैक्टर है उसमें से सिर्फ वाई रह जाएगा, एम नहीं बचेगा? बहुत देर कर दी हुजूर, आते आते जी इनको पहले सुध लेना चाहिए था, आप क्यों होता रहा? क्या आजम खान 3 दिन 4 दिन 14 दिन 40 दिन से तो बंद नहीं है? लंबा समय हो गया, लंबे समय से जेलों के अंदर है। क्या इनको नहीं पता, इनको नहीं पता था कि आजम खान साहब जो है वो इस समय तकलीफों में है? 10 बार के विधायक, संसद सदस्य, राज्यसभा सदस्य, कई बार के कैबिनेट मंत्री, दुर्भाग्य है ये। समाजवादी पार्टी अगर आंदोलन करती, धरना करती, प्रदर्शन करती और आजम खान के मुकदमे को लेकर के या उनके मामले को लेकर के विभिन्न मंचों से उठाने का काम, उस बात को उठाने का काम करती, चाहे वो लोकसभा में हो, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने कहा था कि अगर लोकसभा में बात उठाई जाती और प्रदेश सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाता तो शायद आज आजम खान साहब बाहर होते। और सरकार के लिए कुछ लग रहा है मुझे शिवपाल जी की तरह समाजवादी पार्टी से? नहीं, सवाल समाजवादी पार्टी से नाराजगी का नहीं है, सवाल सिर्फ इस बात का है कि बेगुनाह तौर पे, बिल्कुल बेगुनाह, अगर आजम खान साहब बंद है और उनकी आवाज कोई नहीं उठा रहा है, वो भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं उठा रहे हैं, तो मानवीय मूल्यों की तिलांजलि दे रहे हैं। वो आजम खान साहब हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी को सींचा है, उनको सजाया है, संवारा है, पल्लवित किया है, पुष्पित किया है। आपको क्या कारण लगता है कि ये अखिलेश यादव कभी आजम खान की सुध नहीं लेते हुए नजर आए और जब आप लोग सक्रिय हुए तो ये भी सक्रिय हो गए? अनुभव की कमी।
अच्छा, आदरणीय अखिलेश यादव के अनुभव की कमी के वजह से ऐसा हो रहा है। अगर अनुभव की कमी ना होती तो विभिन्न मंचों पर आदरणीय अखिलेश यादव फेल ना होते। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार हो, अगर हम फिर कहते हैं कि आजम खां जैसे नेताओं को, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जैसे नेताओं को अगर उनके अनुभवों का लाभ उठाए होते तो शायद ये दशा ना होती। ठीक है, अभी मैं फिर कहूंगा कि पैराशूट से उतरना और मुख्यमंत्री बनना और जमीन पे धरातल पर चल करके काम करना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। और आजम खां के मामले में मैं बार बार इस बात को कहूंगा कि सरकारों ने भी उपेक्षा की, सरकार को चाहिए था। देखिए, अंडा चोरी का मुकदमा तो नहीं है ना नितिन जी, इनका बस चले तो अंडा चोरी का भी मुकदमा लगा दे, बकरी चोरी का है, भैंस चोरी का है, न जाने किस किस चोरी का है। 72 साल की उम्र का कोई व्यक्ति जो सांसद रह चुका हो, 10-10 बार विधायक रह चुका हो, उसके ऊपर इतने मुकदमे लाते जाए, ये देखिए मानवीय मूल्यों का हनन हो रहा है। ठीक है सर, वो चाहे जिसके साथ हो, सवाल आजम खां साहब का नहीं है, हिंदुस्तान के किसी कोने में अगर किसी व्यक्ति के साथ इस तरीके का कोई काम होता है तो गलत है। और उत्तर प्रदेश सरकार को देखिए, हिंदू मुस्लिम अथवा फिर ये नहीं कि हाँ कहाँ किस दल में है कैसे है, इसे थोड़ा दूरी बनाए रखनी चाहिए, इसका संदेश गलत जाता है समाज में, परंपरा गलत बनती है, राजनीतिक विद्वेष की भावना जब बढ़ती है परंपराएं गलत होती हैं तो आने वाली सरकारें तो आती जाती रहेंगी, तो अगर परंपराएं गलत बन गई तो उन परंपराओं का लगातार फिर जो है उसको तोड़ पाना, उसका निर्वहन लोग करने लगते हैं, फिर गलत परंपरा का निर्वहन करने। ठीक है सर, ठीक है, आज यही स्थिति जो है। देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जब हुआ करते थे नितिन जी, तो उस समय समाजवादी पार्टी के हर व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई सरकार होती थी और कहीं भी गलत तरीके से कोई फंसाया जाता था तो हर व्यक्ति के लिए समाजवादी पार्टी खड़ी होती। लेकिन आज समाजवादी पार्टी की यह स्थिति आ गई है कि अपने सबसे बड़े कदावर नेता के एक आवाज तक नहीं उठा रहे हैं। नितिन जी एक चीज बताइए, आपको तो दौर भी याद होगा जब हल्ला बोल मोल बोल मुलायम हल्ला बोल का नारा चलता था जी। सरकार की नीतियों के खिलाफ, जनहित में जो नीतियां नहीं होती थी उनके खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ता था तो माननीय मुलायम सिंह यादव के नाम पर बोल मुलायम हल्ला बोल का नारा दिया जाता था और सड़कों पर समाजवादी आंदोलन करते थे। क्या समाजवादी आंदोलन की धार कुंद हो गई है? तो अगर समाजवादी आंदोलन की धार कुंद हो गई है तो उसको फिर से कैसे तेज किया जाए? क्या आदरणीय अखिलेश यादव में जो कुब्बत नहीं बची है? अगर कुब्बत नहीं बची है तो उनको अनुभव से लाभ लेना चाहिए और संघर्ष के रास्ते पे चलना चाहिए। ठीक है सर, क्या वजह है कि एक बार जेल गए हैं सिर्फ आदरणीय अखिलेश यादव? क्या उनके घर नहीं जा सकते? क्या घर में जाकर के सांत्वना नहीं व्यक्त कर सकते? क्या एक टीम नहीं लगा सकते जो मुकदमों की देखरेख करे? क्या एक पैनल नहीं बैठा सकते? क्या सही ढंग से पैरवी हो पा रही कि नहीं हो पा रही है? फिर लोकसभा में भी प्रश्न उठाना चाहिए था, समाजवादी पार्टी के सांसद लोकसभा में प्रश्न उठना चाहिए था, नेता विरोधी दल के नाते उत्तर प्रदेश के सरकार के सामने जो है रखना चाहिए था और हर मोर्चे पे जो है इसको, इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। ठीक है सर, ठीक है, मैं अगर हर मुद्दे को इन्होंने नहीं उठाया, इस बात को नहीं उठाया तो किसकी कमी है? ठीक है, कमी है। देखिये एक चीज और मैं कहूंगा नितिन जी, की सबसे बड़ी बात यह है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी कोई चीज सीखना ही नहीं चाहते, और जब कोई व्यक्ति कुछ सीखना ही नहीं चाहता तो जबरदस्ती तो उससे नहीं करवाया जा सकता ना। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जब जेल जाते हैं तो इनको होश आता है कि मुझे भी आजम खां के मामले पे बोलना चाहिए। जब आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी मुद्दा उठाते हैं तब इनको होश आता है कि हमारे वरिष्ठ नेता है। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जब लगातार चर्चा करते हैं कि आजम खां के साथ नाइंसाफी हो रही है तब ये जम्हाई लेते हैं और नींद से जागते हैं और अपने सिपाहसालारों से पूछते हैं कि क्या हुआ है भाई। ठीक है, तो ठीक, सोते हुए लोगों को कैसे जगाओगे? जो सोने का नाटक कर रहे हैं उनको तो और नहीं जगा सकते। ठीक है, ठीक है, मैं सबसे बड़ी दिक्कत मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं। रजी हसन हमारे साथ समाजवादी पार्टी से। रजी भाई, अनुभव की कमी के बारे में बता रहे थे सत्यजीत जी, कह रहे थे आपके नेता के अंदर अनुभव की कमी है और इसी वजह से आप लोगों ने आज तक आजम खान की सुध नहीं ली। अब शिवपाल जी ने जब सुध लेना शुरू किया तो आपके अंदर एक थ्रेट आ गया, एक खौफ आ गया कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुस्लिम वोटर जो है वो छिटकने लगे, आजम खान के मुद्दे पर कुछ करना जरूरी है। देखिए ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में 2017 से विपक्ष में आई, उसके बाद से 2019 का चुनाव हुआ लोकसभा का, लोकसभा के 19 के चुनाव में मोहम्मद आजम खान साहब ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उत्तर प्रदेश में अब खुद भी जीते और बहुत से लोगों को समर्थन किया और वो भी हम लोग जीत कर आए और हमारा गठबंधन था बहन जी से, उसी के बाद से मुकदमों का दौरा शुरू हो गया। मतलब मुकदमे का
लगना, उनको प्रताड़ित करना, प्रॉपर्टी को बिल्डोजर चलाना। एक बात मैं सब जीत साहब से पूछना चाहूंगा कि क्या आपको पता है कि मोहम्मद आजम खान साहब कब जेल गए थे? आपको डेट पता है मोहम्मद आजम खान साहब कब जेल गए थे? आपको ये पता है कि उनके बेटे कब रिहा हुए? आपको ये भी नहीं पता होगा। समाजवादी पार्टी मोहम्मद आजम खान साहब पता है उसी का काम। सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपकी बात ध्यान से सुनिए, बस यही तो, बस आपने आपको सब पता है तो आपने शिथिलता क्यों बरती? सुन लीजिए, आपको आपके नेता को जब सारी जानकारी है तो आप सो क्यों रहे हैं? आपको सोना नहीं चाहिए था, आप सुनेंगे नहीं, आपको जागना चाहिए था, आप सुन लीजिए, आप क्यों सो रहे हैं? आपको कुछ नहीं पता चाहिए था? आप पहली बार जग है, आप अपनी पार्टी का अस्तित्व बनाने के लिए मोहम्मद आजम खान साहब का इस्तेमाल करके स्थापित होना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? आप समाजवादी पार्टी को बैकवर्ड पे लाने के लिए मोहम्मद आजम खान साहब से मिलना चाहते हैं? आप सड़कों पे क्यों उतर रहे हैं? आपने पहली बार मोहम्मद आजम खान साहब से आदरणीय शिवपाल जी मिलने गए? आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी मोहम्मद आजम खान साहब से पहली बार मिलने गए? ढाई साल से वो जेल में थे, ढाई साल से जेल में थे, आप कहाँ थे? आप बताइए, भाजपा कहाँ थी? आप कहाँ थे? आपके तो अफवाहें चल रही थी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की, आपकी अफवाहें चल रही थी। आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए, सब जीते आप फिर आप ही बोलेंगे। आप पहले पूरी बात सुन लीजिए, शांति से बात बोलिए। पूरा है भाई, हक की बात क्यों कर रहे हैं? हक क्यों नहीं है? ये देखिए बीच में बकवास कर रहे हैं, हक पूरा है, पूरी बात सुनिए, आपकी बात सुनी, ठीक है? प्लीज प्लीज, ठीक है सर, भारतीय जनता पार्टी सरकार से सवाल बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं, अभी आप बोल रहे थे, शांति से सुन रहा था, सवाल आप बोल रहे थे, शांति से सुन रहा था। डर लगता है, भारतीय जनता पार्टी सरकार सवाल नहीं कर सकते हो आप? ठीक है, भाषा बोल लीजिए, सरकार की भाषा बोलिए, सरकार की भाषा बोलिए। क्यों टेन किया गया ये प्रश्न? आप सरकार की भाषा बोलिए, कब जेल से बाहर आए, सब कब जेल गए, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम कब लिया हुआ है, तकलीफ क्या हुआ, प्लीज 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 नहीं पता। आने वाला 2024 की तैयारी में आप मोहम्मद आजम खान साहब के कंधे पर बंदूक रखना चाहते हैं, बात आगे आगे चलेंगे, आप बंदूक रख के चलाना चाहते हैं, कुछ ऐसा होगा नहीं आपका। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग जब से लगे हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता जेल के बाहर भी रहते हैं और जेल के अंदर भी। अभी जब आजम खान साहब अस्पताल में एडमिट थे, कहां थी आपकी पार्टी? कहां थे शिवपाल सिंह यादव? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरी फोर्स लगाने का काम किया, समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता अपोलो हॉस्पिटल के बाहर, वेदांता हॉस्पिटल के बाहर बैठा था। अरे सत्यजीत साहब, क्या बात करेंगे आप? आपको डेट नहीं पता कब गिरफ्तारी हुई, डेट नहीं पता कब रिहा हुए, आपको डेट नहीं पता कितने मुकदमे लगे, आप क्या बात करते हैं? आप समाजवादी पार्टी के नेता को आप बताएंगे कि आप बताएंगे? ठीक है रजी भाई, आप सत्यजीत सिंह अपनी थैंक यू, मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास। केसी जैन हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए। जैन साहब, आप लोगों के ऊपर हमेशा से आरोप लगते आए, आज अखिलेश यादव ने भी कहा है कि आप लोग जानबूझकर नहीं निकलना देना चाहते हैं आजम खान को, और अभी आपने सुना सत्यजीत जी क्या कह रहे थे, रजी हसन क्या कह रहे थे, क्या कहना है? जहां तक आजम खान जी के बाहर आने की बात है तो न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन न्यायालय भी आपको रेमेडी तब देता है, आपको लाभ तब देता है, आपको न्यायालय तब सुनेगा जब आप न्यायालय के समक्ष जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। अगर आपकी भूमि पे कहीं पे कोई कब्जा हो गया तो न्यायालय तो तभी आपको सुनेगा जब न्यायालय के पास आप जाएंगे, कहेंगे कि भाई हमारी जमीन पे कब्जा हो गया। पुलिस भी तभी सुनेगी जब आप शिकायत करेंगे। अगर आप चुपचाप अपने घर में बैठे रहेंगे तो ना तो पुलिस हस्तक्षेप करने जाएगी और न्यायालय न तो न्यायालय आपके घर तक जाएगा कि आप बताइए क्या प्रॉब्लम है कि नहीं है। नहीं, ये जमीन तो ठीक है, ये अंडा चोरी, भैंस चोरी, बकरी चोरी, सत्यजीत जी कह रहे हैं ये सब क्या है भाई? नितिन जी, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ नितिन जी, हम तो न्यायालय की बात कर रहे हैं,
जैन साहब को बोलने दीजिए, सुन लीजिए, जैन साहब को बोलने दीजिए प्लीज, अभी मैं आऊंगा बोल लीजिए, बात कर रहे हैं, देखिए जिस पे सवाल हो रहा है आज, जैन साहब कि जिस पे आप नितिन जी सवाल कर रहे हैं कि आजम खान जी को आप बाहर नहीं आने देना चाह रहे, हम उसके परिपेक्ष में उदाहरण दे रहे हैं, तो वैसा ही उदाहरण आजम खान जी का भी है कि अगर आजम खान अगर जेल में है और उनकी बेल एप्लीकेशन नहीं पड़ेगी, बेल एप्लीकेशन पड़ेगी तो उसपे जो बहस करने वाले वकील हैं वो समय से नहीं पहुंचेंगे, समय से पहुंचेंगे तथ्यों को सामने नहीं रखेंगे। आपको शायद याद होगा चुनाव अभी जिला पंचायतों का, अभी आपने एमएलसी का रिसेंटली चुनाव देखा होगा, किस तरह से कैसे पर्चे छीन रहे थे आप और किस तरह से दबंगई आप कर रहे थे, ये साफ जनता देख रही थी पूरी मीडिया से, और आप बता रहे हैं आप बता रहे न्यायिक प्रक्रिया, आप बताएंगे अरे न्यायिक प्रक्रिया में अगर होते तो उस बेटी को भी इंसाफ देते, आप अजय मिश्रा टोनी जी को भी न्याय प्रक्रिया में लाते तो उसको जेल में डालते आप केंद्रीय मंत्री को, मगर आप न्याय प्रक्रिया की आप तो बात ना करें, आप तो न्याय प्रक्रिया की बात न करें, जिला पंचायत के चुनाव में आपने खूब धांधली की, ठीक है रजी भाई, रजी भाई प्लीज प्लीज प्लीज, जबरन समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी को टारगेट करके पुलिस की मदद से आपने बोले थे, जैन साहब को पूरा करने क्या बात कहे रजी भाई, जैन साहब पूरा ऐसी बात कर आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, न्यायिक प्रक्रिया मैं आपके पास आऊंगा रजी भाई प्लीज, अगर न्यायिक प्रक्रिया लीजिए मैं अपने तट पे बोलिएगा भाई, हाँ जैन साहब पूरी कीजिए, देखिए ये समाजवादी पार्टी का और आजम खान जी का मामला है और न्यायालय का मामला है, भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं, नहीं क्या ऐसा भी है क्या, ऐसा भी है क्या जैन साहब कि अखिलेश यादव को, सुन लीजिए नितिन जी, एक बार न्यायालय में पुलिस ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी, उसके बाद में मामला बनता है न्यायालय का कि न्यायालय बेल देगा नहीं देगा किस कंडीशन पे देगा, तो ये तो जो लोग पैरवी कर रहे हैं अगर पैरोकार उनके ढीले हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष कहाँ पे आ गया, ये कहाँ से आ गया, पैरोकार अगर कागज लेकर कोर्ट तक पहुंचे तो पहले ही आप छिना लेंगे, पैरोकारों का कहाँ छिनवाया है भाई, अरे पैरोकार अगर कोई कोर्ट लेकर नामांकन के लिए पैरोकार वाला कोर्ट में कहाँ छिनवाया, देखिए सतीश जी भी वही बात कह रहे हैं, कोर्ट कोर्ट में नहीं छिनवाया, मगर न्याय प्रक्रिया की बात जो कर रहे हैं साहब, आप उसको सुधार लीजिए, आप तो ऐसी बात ना करें, ठीक है प्लीज, आप ऐसी बात ना करें भाई, बड़ा हंसेगी जनता उत्तर प्रदेश की देख रही है, बहुत सम्मानित चैनल पे हम लोग बैठे हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है जैन साहब, आजम खान साहब ने पूरे भारतवर्ष के लिए यूनिवर्सिटी बनाई थी, मेडिकल कॉलेज बनाया था, कोई जाति धर्म देख कर नहीं बनाया था, जैन साहब की सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके टर्न पे आऊंगा आपके पास प्लीज, आजम खान साहब ने रजी भाई ऐसे नहीं असहाय मजदूर किसान लड़ने नहीं आए भाई, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, किया था चर्चा करने आए ना, उत्तर प्रदेश के विकास, ठीक है रजी भाई बात आ गई भाई, आपकी बात आ गई, आपके टर्न पे बोलिएगा, हाँ जैन साहब पूरी कर लीजिए जल्दी से अपनी बात, जी जी देखिए देखिए नितिन जी, ये समाजवादी पार्टी वास्तव में नहीं चाहती है कि आजम खान बाहर आए, अच्छा, ना तो उनके लिए वकील किया, ना उनके लिए अच्छी पैरोकारी की, ना तो वकील किया, आपने तो बहुत अच्छी पैरवी की है, हाथरस की बेटी की रात में अंतिम संस्कार करा देते हैं और किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वा देते हैं, आशीष मिश्रा बरी भी हो जाता है, गिरफ्तार भी नहीं होता है, और बहुत अच्छी न्याय प्रक्रिया में, और आप अच्छी वकालत करते हैं, आप भी अधिवक्ता है जैन साहब, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, आप किस तरह से आपने पैरवी की है जय मिश्रा जी की, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पैरवी की अजय मिश्रा की, ये बखूबी उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है, गाड़ी चढ़ाने वाले लोगों की आप पैरवी करते हैं, मोहम्मद आजम खान जैसे मेडिकल कॉलेज बनाने वाले, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने वाले, बढ़िया से बढ़िया प्रोत्साहन देने वाले वैसे व्यक्ति को आप लोगों ने जबरन जो है बांधने का काम हमने किया है, एक भ्रष्टाचार बता दीजिए आप एक भ्रष्टाचार जौहर विश्वविद्यालय के ऊपर एक भ्रष्टाचार बता दीजिए, वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा, वहाँ पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज बना, मेडिकल की पढ़ाई हो रही, उत्तर प्रदेश से एक ऐसा कॉलेज है जौहर विश्वविद्यालय जो पूरे भारत वर्ष में
जाति पात देखकर ठीक है, प्लीज 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 हम आगे चलेंगे। आरिफ महमूद साहब बता दीजिए, बता दीजिए ठीक है। जैन साहब थैंक यू, मेडिकल ठीक है। रजी भाई थैंक यू थैंक यू। हां आरिफ महमूद हमारे साथ अर्ली से हैं। आरिफ भाई पहले आपके नेता गए थे, उसके बाद शिवपाल जी गए थे, अब अखिलेश यादव को भी लग रहा है कि कुछ करना जरूरी है। आज उन्होंने बयान दिया है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि आजम खान बाहर आए, लेकिन हम लड़ाई लड़ेंगे और बहुत जल्द वो बाहर आएंगे। क्या कहते हैं? देखिए डिबेट का एक फोरम रखिए, कि फर्स्ट राउंड में कोई किसी को इंटरप्ट ना करे। बिल्कुल मेरा यही रहता है, लेकिन आज रजी भाई थोड़ा कुछ उखड़े उखड़े से लग रहा है। फर्स्ट राउंड में पहले सारे पैनलिस्टों की एक एक बार बात आ जाने दीजिए, दोबारा में हम लोग खुद एक दूसरे के ऊपर आरोप लगावे, एक दूसरे की आलोचना करें, वो अच्छा लगता है। अब पहली राउंड में आधा घंटे से मैं बैठा हूँ, मेरा कोई आप सवाल ही नहीं ले, ना सवाल पूछ रहे ना मैं कोई जवाब दे पा रहा हूँ। अब इन लोग फिर बोल रहे हैं, हम लोग बैठे हुए हैं। नहीं नहीं बोलिए बोलिए पूरा मौका। मेरा आजम खान साहब के बारे में ये कहना है, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में है, अगर जैन जी किसी के ऐसे मौके पर उसके घर चले गए उसका दुर्दर्व लेने के लिए, तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि वो राष्ट्रीय लोकदल में उनको लेकर क्या रहे हैं या आजम खान साहब कहाँ जा रहे हैं। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता है। अच्छा। और समाजवादी पार्टी ने आजम खान को भी उनका राजनीतिक कद बहुत बढ़ाया है। ये सत्यजीत जी नहीं मान रहे ना? समाजवादी पार्टी सुनिए सुनिए, आजम खान साहब भी फाउंडर मेंबर है समाजवादी पार्टी के। इन्होंने भी समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह जी के साथ मिलकर के आज बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का एक खड़ा किया है, समाजवादी पार्टी को चार चार बार मुख्यमंत्री बनाया, सारी चीजें हैं। अब ईमानदारी से अगर आजम खान साहब की लड़ाई गठबंधन को लड़नी होगी तो 23 तारीख से विधानसभा सत्र चल रहा है। अगर आजम खान साहब के प्रति समाजवादी पार्टी और विपक्ष और के जो सारे गठबंधन के लोग हैं, इन सब लोगों को चाहिए कि मिल करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा को आजम खान के ये जो लास्ट में मुकदमा कायम किया गया है, ये जानबूझ करके उनको जेल में रखने के लिए किया गया है, क्या ये मुकदमा और चार दिन पहले नहीं हो सकता था? जब ये पता चला कि हाईकोर्ट जिनको जमानत मिल रही है मिल जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को भी फटकार लगाई कि भाई आप जमानत क्यों नहीं दे रहे हैं, सुनवाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर आप नहीं देंगे तो मुझे हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो हाईकोर्ट के जमानत जब ये पता चल गया कल जमानत होगी तो आजम खान के खिलाफ एक और मुकदमा ला करके लगा। अच्छा आरिफ भाई दो चीजें, एक तो सत्यजीत जी कह रहे हैं कि बहुत देर कर दी आते आते, और दूसरी चीज है जैन साहब कह रहे हैं कि आप लोग ठीक तरीके से पैरवी नहीं करते, इसी वजह से आजम खान अंदर रह गए। नहीं देखिए जैन भाई को तो ये सब बातें कहनी है। हाँ। जैन भाई को देखिए, अभी जब आपने बकरी चोरी कहा, मुर्गी चोरी किया कहा की बात कही, तो जैन जी बड़ी तेजी से हंसे। वैसे नहीं हंसना चाहिए, एक तो आपने गलत आरोप लगाया, छोटे छोटे मुकदमों में आपने उनको जेल भेज दिया, चार्जशीट उसमें लगा दी। आज ही बताइए मुर्गी चोरी पर, उत्तर मुर्गी चोरी के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मुकदमों में आपने चार्जशीट लगाया, आप बताइए कितने एप्लीकेशन आए मुर्गी चोरी बकरी चोरी के, उसका भी निकलवाया। कॉलर सही कर रहे हैं इस बात पे? नहीं नहीं वो तो हमसे लड़ने के लिए कॉलर सही कर रहे हैं, अभी हमारी इनकी होने वाली है बहस किसी न किसी टॉपिक पे, अभी देखिएगा वो तो हमारी दोनों भाई का मामला है, हम लोग आपस में अपनी बात उठाएंगे। मगर मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए सरकार को भी चाहिए कि इस तरीके से कोई एक व्यक्ति के ऊपर आपने बहुत मुकदमा कायम कर दिया है, 81 मुकदमे आपने कायम कर दिए, सारी चीजें ठीक है आपने किया, वो कोर्ट में लड़ रहे हैं, जमानतें मिल रही है वो उनको, अब इस तरीके की ओछी हरकत सरकार को भी नहीं करनी चाहिए और किसी इंसान के मौलिक अधिकारों को भी नहीं छीनना चाहिए। आप तो उनके मौलिक अधिकारों पर हमले पर हमला करते चले जा रही है सरकार, सरकार को इससे बचना चाहिए। कल आज आपकी सरकार है, कल किसी और की भी सरकार होगी, आप व्यक्तिगत अगर आरोप लगा करके किसी व्यक्ति के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आप वो वक्त भूल गए कि अमित शाह जी को पी चिदम्बरम ने जेल भेजा था, सरकार आई अमित शाह जी गृह मंत्री बने उन्होंने उन्हें जेल भेज दिया। तो ये जो बदले की भावना की जो सरकारें चलती है ये अच्छी नहीं होती है। अरे भाई जैन साहब कुछ कह रहे हैं, इनका सुन लेते फिर आपके पास आ रहे हैं। हाँ जैन साहब क्या कह रहे थे? देखिए नितिन जी, जो अभी आरिफ भाई ने दो तीन बातें कही, पहली बात तो उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी अच्छी पैरवी नहीं करती है तो हम लोग गठबंधन में हैं और पैरवी करेंगे और उनके लिए हम लोग लड़ेंगे। अच्छी बात है, आप आज आपका गठबंधन है लड़ें, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, देखिए सरकार का काम होता है विधिक प्रक्रिया का पालन करना, और न्यायालय में मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, न्यायालय में अगर एक बार चार्जशीट दाखिल हो गई उसके बाद में, रही बात कि आप जो कह रहे हैं कि भाई
मुर्गी चोरी का है या कुछ भैंस चोरी का है या जो है कोई और चोरी का मामला है, तो देखिए उसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार पार्टी नहीं है, उसमें वादी मुकदमा है, वादी मुकदमा ने मुकदमे लिखा है उसमें कि, और एक चीज है उसमें ऐसा नहीं है कि एक दो मुर्गियां या एक दो बकरी इस तरह से चोरी हो गई, वो पूरा की पूरा जिस तरीके से गैंग चलता था और उसमें तमाम सारे अवसर अभी तो भी है। तो देखिए मैं उसको डीप पे नहीं जाना चाहता हूँ, बकरी चोरी का देखिए मुर्गी चोरी बकरी चोरी क्या है उनके ऊपर जो भी मुकदमे हैं, मेरी बात सुन लीजिए आरिफ भाई, आरिफ भाई मेरी बात आ जाए, बिल्कुल अच्छी बात है जमानत, ये मुकदमे कैसे आ गए नहीं नहीं मेरी बात सुन लीजिए, अब आप पूरे पासपोर्ट रखे दो और दो आधार कार्ड रखे, दो आधार कार्ड कैसे रखे, दो पासपोर्ट कैसे रखे, जमानत दे दिया उस पर आप कर रहे हैं, वो तो नया फिर क्यों बाहर नहीं हो रहा है, अगर आप ठीक है प्लीज हो गया आप लोगों का, मुर्गी चोरी का मुकदमे में लोअर कोर्ट से बेल हो जाती है, ठीक है 379 380 में चोरी के मामले में लोअर कोर्ट से बेल हो जाती है और जो संगीन मामले हैं इसीलिए उनको हाई कोर्ट से तक बेल नहीं मिली, आप बेल कराइए ना फर्जी मुकदमे बेल कराइए खत्म कराइए उनको, जेल में क्यों बेल होने देंगे, फिर एक नया मुकदमा ला देंगे आप, शाजी सर फंसाना चाह रहे हैं आप मोहम्मद आजम खान साहब की, जब बेल हो चुकी थी जमानत हो चुकी थी तो एक नया मुकदमा वाकई इतनी जल्दी कैसे आ गया, ठीक है प्लीज 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 ठीक है आप लोगों का, ठीक है ठीक है मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास, ना तो आपको आजम खान से ना तो आजम खान को आपसे खतरा है और ना तो आजम खान से आपको खतरा है, अखिलेश जी को नहीं है भारतीय जनता पार्टी को आजम खान साहब से खतरा है, ना ना भारतीय जनता पार्टी को आजम खान साहब से खतरा है, भारतीय जनता पार्टी को आजम खान साहब से खतरा, क्योंकि इतना अच्छा काम, इतना मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी, इतने अच्छे अच्छे काम करा दिए, आज भी वो विधायक है, आज भी वो विधान परिषद विधानसभा के सदस्य है, और अच्छा काम करेंगे आप लोग कर नहीं सकते उनके बराबर काम, इसीलिए उनको जेल में डालने का काम कर रहे हैं, आने वाले 2024 में आप लोगों का उत्तर प्रदेश में जो सूपड़ा साफ होने की तैयारी चल रही है उससे आप घबरा गए, मोहम्मद आजम खान साहब से घबरा गए, ठीक है रजी भाई, जैन साहब रजी भाई ये बताइए, ठीक है जैन साहब प्लीज मैं आऊंगा आपके पास, 20-25 सीटों पे तो आपको प्रचार, मैं आ रहा हूँ जैन साहब, सीटों पे निर्दलीय हम जो है जीत रोज जीत गए हम, ठीक मैं आ रहा हूँ, बाकी जो थे पर्चे वापस ले लिए, बाकी जो बचे वो हार गए, समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी ठीक है भाई हो गया आप लोगों का प्लीज, ठीक है मैं आ रहा हूँ जैन साहब, आपके पास प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है जैन साहब मैं आ रहा हूँ, मुझे ये बताइए सत्यजीत जी से क्या दिक्कत है आपको, क्यों आप उनसे काफी नाराज दिख रहे हैं, वो भी तो आपके साथ ही हैं, सिंह साहब से मैं ये नाराज हूँ कि आप हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र, आप उनको अनुभवी अनुभवी उनको अनुभव उनको अनुभव की कमी है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हम लोगों के विकास कार्यों को अपना कार्य बताकर जनता में उजागर किया, ये अखिलेश यादव जी का अनुभव था, उत्तर प्रदेश में 55 लाख महिलाओं को पेंशन बांट दिया, ये अखिलेश यादव जी का अनुभव था, उत्तर प्रदेश में 27 लाख लोगों को बीजेपी ने 27 लाख मैं ये कह रहा हूँ रजी भाई सुनिए अगर बीजेपी ने आपके काम को गिना करके वोट मांग लिया तो ये भी तो आपकी नाकामी हुई ना कि आप अपने ही काम को नहीं गिना पाए, देखिए जैन साहब कितनी तेज से जिस तरह से हमारे कामों को भुना कर उसके बाद इन्होंने जिस तरह से धर्म और जाति के नाम पर बात कर जनता को लूटने का काम किया है, ये जैन साहब जानते हैं, इसीलिए बहुत मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा जैन साहब आप बता दीजिए
आपने आपने रामपुर में मोहम्मद आजम खान साहब के क्षेत्र में, उनके लोकसभा क्षेत्र में, उनके विधानसभा क्षेत्र में एक काम किया हो तो बता दीजिए। आप एक काम किया बता दीजिए। आपने सिर्फ झूठे मुकदमे आजम खान साहब के ऊपर लगा सकते हैं, आप काम नहीं कर सकते। जैन साहब सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपको मैं बता रहा हूँ। सुन लीजिए आप रामपुर का एक काम बता दीजिए खाली, मोहम्मद आजम खान साहब की विधानसभा में, उनके लोकसभा क्षेत्र में एक काम भारतीय जनता पार्टी का, योगी आदित्यनाथ जी का काम बता दीजिए। हाँ काम है, काम नहीं कारनामे हैं। कारनामे ये है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान साहब के ऊपर आप झूठे मुकदमे लगाने का काम करते हैं। किताब चोरी का मुकदमा लगाना चाहते हैं। किताब तो शिक्षा की, शिक्षा जिससे शिक्षा प्राप्त होती है, आप उसको भी बदनाम कर रहे हैं। आप मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनाया, उसकी जमीन को खराब, आपने उसकी बाउंड्री तोड़ने का काम किया। अरे वो तो नौजवानों के लिए बनाया था, मुस्तकबिल महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए बनाया था, उसके मुस्तकबिल के लिए बनाया था, उनके भविष्य के लिए बनाया था। आपने रामपुर में एक नया काम किया हो पूरे 17 से लेकर 22 तक, आप बता दीजिए। एक विधानसभा सिर्फ दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में सिर्फ एक विधानसभा दे रहा हूँ, बता दीजिए काम क्या किया। नहीं बता पाएंगे, आपने सिर्फ आपके काम नहीं, आपके कारनामे बोलते हैं। आपके कारनामे भी बता देता हूँ, लखीमपुर में आधार गाड़ी चला देते किसी दिन, उस दिन बुलाऊंगा आपको। सत्यजीत जी, एक सवाल जैन जी। हाँ अरे भाई, हाँ अरे भाई, हाँ जैन जी से मेरा एक सवाल है कि चलिए ठीक है, आजम खान साहब के ऊपर जितने भी मुकदमे लगे सब पुलिस ने बिल्कुल सही मुकदमे लगाए। मैंने इनकी जैन जी की मैंने बात समझ ली। जैन जी मुझे आप ये बताइए, ललितपुर में जिस लड़की के साथ थाने के अंदर बलात्कार हुआ है, उस दरोगा के ऊपर आप बुलडोजर उसके घर पर कब चलाने जा रहे हैं? नहीं चला पाएंगे। कब तक चलेगा? जवाब तो देने दीजिए जैन साहब को, क्या कह रहे हैं? आपने जो गठबंधन किया है ना, आपका भी सफाया हो रहा है, कांग्रेस का सफाया हो गया, बहन जी का सफाया हो गया। ठीक है जैन साहब, ठीक है प्लीज अरे भाई जैन साहब, अरे भाई जैन साहब, रजी भाई प्लीज। सत्यजीत जी देखिए कितने शांत बैठे, डिबेट ऐसे की जाती है, आप लोग पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं आपस में। सत्यजीत जी आप देखिए तो कारनामे, सज्जी जी आवाज आ रही है आपको मेरी? बताया जा रहा है कि भाई बिल्डोजर दरोगा आप प्लीज सज्जी जी के पास चलिए। सज्जी जी मिश्रा जी के घर पर बिल्डोजर, प्लीज रजी भाई जवाब ले रजी भाई प्लीज रजी भाई अरे हो गया सवाल हो गया। सज्जी जी आवाज आ रही है आपको? सज्जी जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? आवाज नहीं मिल रही है। रजी भाई क्या कह रहे थे, पूरी कीजिए अपनी बात। आप भारतीय जनता पार्टी का ये मामला है कि जैसे कि अभी आरिफ भाई ने बहुत अच्छी बात की। सज्जी जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? दरोगा के घर पर बिल्डोजर क्यों नहीं चला? मगर ये बिल्डोजर उनके ऊपर चलाएंगे जो बेगुनाह होंगे। वो बिल्डोजर उनके घर पर चलेगा जिसने मेडिकल कॉलेज बनाई, बिल्डोजर उसके घर पर चलेगा जिसने स्कूल बनाया, बिल्डोजर उसके घर पर चलेगा जिसने मेट्रो बनाई, बिल्डोजर उसके घर पर चलेगा जिसने शिक्षा दी, और इनके बिल्डोजर उस पर नहीं चलेगा जिसने गाड़ी चढ़ाई, बिल्डोजर उस पर नहीं चढ़ेगा जिसने रेप किया, बिल्डोजर उस पर नहीं चढ़ेगा जिसने लड़की जलाई, उस पर बिल्डोजर भारतीय जनता पार्टी का कब चलेगा? जैन साहब बताएं तो। ठीक है सज्जी जी आवाज मिल रही है आपको? कुछ टेक्निकल एरर है। हाँ जैन साहब, अरे आजम खान को आप कब तक जेल में रखेंगे ये बताइए, पैरवी क्यों नहीं? अरे वो कह रहे हैं आपने रखा हुआ है, आप कह रहे हैं उन्होंने रखा है। जितना मुस्लिम समाज था आपका साथ छोड़ के चला गया, के लिए तीन तलाक पे आप विरोध करते हैं, साथ मुस्लिम के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश से आप फिर बांट रहे हैं।
आज चैनल पर क्यों बांटने के खाली काम करते मुस्लिम समाज उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ, उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ, विपक्ष में रहने का मौका दिया उन्होंने, विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अब मोहम्मद आजम खान साहब की आप बात करते हैं, नीति रणनीति से आप बताइए कैसे आपने रोका, किस तरह से आपने नया मुकदमा लगवाया, ये भारतीय जनता पार्टी पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा, पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है की उनके जमानत होने के बाद भी नया मुकदमा रिसेंटली आपने प्लीज सरजी जी की आवाज आप ये बता दीजिए, ठीक है प्लीज रजी भाई कब चलेगा, रजी भाई को बताइए उन्नाव की बेटी के घर पर गुजर आप चला सकते हैं, ठीक है प्लीज आप बताइए, मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास, सरजी जी की आवाज आ गई, आशीष मिश्रा जी का घर कब, रजी भाई प्लीज सरजी जी के पास चलेंगे, सरजी जी ठीक है, रजी भाई हो गए, सरजी जी आवाज आ रही है, हाँ बिल्कुल हाँ, ये रजी हसन है, ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्यों कह दिया अखिलेश यादव को अनुभवी नेता, उनको अनुभव की कमी है, क्यों कह रहे हैं, इससे नाराज हैं वो काफी आपसे, ये नाराज ना हो, देखिए थोड़ा अनुभव की बात में बताऊं, 2014 में चुनाव हार गए, 2019 में चुनाव हारे, 2017 में चुनाव हारे, 2022 में चुनाव हारे, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव ने 4 बार मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी को दिया है, और आदरणीय अखिलेश यादव ने 4 बार चुनाव हारा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अनुभव की कमी है, अनुभव देखिए नाराज मत होइएगा भाई साहब, आपसे थोड़ा प्रार्थना है मेरी जो है, नाराज के लिए ना होइए, आप अनुभव लेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा, समाज को मिलेगा, हमें भी मिलेगा, पूरे उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ आबादी को उसका लाभ मिलेगा, अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी तमाम अनुभवों का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे तो उससे पूरे उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ आबादी को लाभ मिलेगा, और कम से कम मेरा अनुरोध है आपसे ये बात अखिलेश यादव जी को बताइए, लेकिन दिक्कत है आप लोगों की मुलाकात भी सुनते नहीं हो पाती, ऐसा भी है कि आदरणीय व्यक्तिगत और आप आजम खान साहब की बात कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं कि सुनने में आ रहा है, हमारे यहाँ पर आदरणीय शिवपाल सिंह यादव बताते हैं, सबसे मिलते हैं, बात करते हैं, देखिए आदरणीय शिवपाल सिंह यादव के अनुभवों का लाभ अखिलेश यादव जी को लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, ये दिक्कत है, नाराज आप मत होइए, नाराजी से काम नहीं चलेगा, आदरणीय जवाब तो ले लीजिए, एक साथ इतने सवाल पूछ लिया आपने, कुछ सरकारों को संजय जी प्लीज रजी भाई जवाब ले लीजिए, रजी भाई प्लीज ठीक है, रजी भाई जवाब ले लीजिए भाई, समय बहुत कम है, ठीक है रजी भाई प्लीज ठीक है प्लीज, हो गया मैं जवाब ले लूं, अगर सरकार आ गई होती तो ये आजम खान साहब को 2 बार जेल कर देते, 1 बार नहीं, ये तो चाहते ही है कि आजम खान साहब जेल में रहें, अगर ये इनकी ही सही सोच होती तो आजम खान साहब आज जेल से बाहर होते। ये कई सारे सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि जब शिवपाल जी तब क्यों नहीं गए, जब पहली बार जेल गए थे आजम खान, मुकदमे लाते जा रहे थे तब नहीं गए, बीमार होते हैं तब नहीं गए, अरे इनको तो अरे जवाब तो ले लूं मैं, बताइए सतीश जी, हेलो हाँ क्या क्या आवाज नहीं आई, आइए घर मैं सुनिए आप कहाँ थे, हाँ आवाज नहीं आई, फिर से बोल दे, ये रजी हसन है, सुनिए रजी भाई पहले आप बोलिए, पता नहीं क्या चिल्ला दे, पार्टी की आवाज खाली सुनाई देगी कि सरकार जेल मुकदमे क्या बोल रहे हैं, क्या उत्तर लेना है ये बोले तो, आप उस पर राजनीति करना चाहते हैं आजम खान साहब के नाम पर, अपनी अपनी प्रतिभा को चमकाना चाहते हैं, ठीक है प्लीज रजी साहब कह रहे हैं कि भैया प्रतिभा तो आपके साथ थी, आपने तो प्रतिभा को भगाने का काम किया है, आप तो कहते हैं कि जाओ भाई साहब, आरएलडी वालों को भी मैं कहूंगा सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि 4 दिन बाद आपको कहें कब जा रहे हैं, सिंह यादव जी को गठबंधन चलाना ही नहीं चाहते, शिवपाल जी साथ नहीं है क्या, गठबंधन को तरजीह ही नहीं देना चाहते, आज बताइए गठबंधन किस तरह की तरजीह चाहिए आपको, बताइए कैसी तरजीह नहीं मिली आपको, ये बताइए, ठीक है रजी भाई जवाब तो ले लीजिए आप प्लीज, वो कहते हैं कि सुन ले नितिन भाई एक सवाल मेरा, आरिफ भाई इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ मैं, 1 मिनट बस, अखिलेश कहते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी मुसलमानों के साथ नहीं खड़े होते हैं, एक चीज बताइए, बरेली के सपा विधायक सहजुल इस्लाम का पेट्रोल पंप गिरा दिया जाता है, क्या करते हैं आप, कैराना के नाहिद हसन साहब के साथ नाराजगी क्यों है, सफीकुर रहमान बर्ख आपसे नाराज क्यों है,
तो अगर इरशाद खान शफीक रहमान भर सहजुल इस्लाम नाहिद हसन ये पूरे पूरे यतीम सांसद हैं मुसलमानों के मुस्लिम कम्युनिटी के जो नाराजगी है ये आज पस्त हैं समाजवादी पार्टी से ये पस्त हैं समाजवादी पार्टी से इनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है मुसलमानों की आवाज को आप नहीं उठाना चाहते आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं क्यों ऐसी नादानी वाला काम कर रहे हैं आप अभी भी मैं कहता हूँ सचेत हो जाइए सावधान हो जाइए सतर्क हो जाइए नहीं जनता बुरी स्थिति कर देगी आपकी कारण क्या है आप किसी भी अनुभव का लाभ नहीं उठाना चाहते इस्तेमाल ना करना विधानमंडल के में बुलाना नहीं क्यों ऐसा किया जाता है सर ठीक है ठीक है सर जी जी मैं आऊंगा जब समाजवादी पार्टी की गठबंधन का जब समाजवादी पार्टी की बैठक थी उसमें नहीं बुलाएगा उसके बाद भी आप लोगों को सम्मान पूरा दिया गया और समाजवादी पार्टी सम्मान देना जानती है अपमान करना नहीं आज भी आपको याद होगा मुझे जो है समाजवादी पार्टी की बैठक पर बुलाना चाहिए था आपने नहीं बुलाया चाचा जी का क्यों नहीं बुलाया सम्मान करते हैं जो पहले करते थे समाजवादी पार्टी अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी आदरणीय सुभाष सिंह यादव जी का सम्मान करते ठीक है तो 2022 मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का विपक्ष आपस में लड़ रहा है और सरकार अपना आराम से सत्ता में है। चलिए आरिफ भाई क्या कह रहे थे बार मुझे जैन जी मिले हुए हैं मेरे कई सवाल हैं जैन जी से जैन जी मुझे ये बताइए थोड़ा इस डिबेट से हट कर गए हैं बस एक छोटा सा सवाल है अब आपके करीब करीब 100 दिन अब पूरे होने वाले हैं 1.5-2 महीना बाकी है ये 100 दिन के अंदर 10,000 नौजवानों को आप रोजगार दे देंगे और दूसरा सवाल ये है कि आखिर ये जो आप इसके डीजल पेट्रोल और जो रसोई गैस के जो दाम आप बढ़ाए चले जा रहे हैं इसको घटने की अंतिम तिथि क्या होगी क्या लोकसभा चुनाव होगा जैसे आपने विधानसभा चुनाव में कम कर दिया था जैन जी जैन साहब कुछ आवाज का डिस्टर्बेंस है जैन साहब आवाज नहीं आ रही आपकी आवाज नहीं आ रही जैन साहब आपकी कुछ टेक्निकल एरर है शायद अपना माइक देखिए ऑन कर लीजिए प्लीज चलिए मैं आता हूँ आपके पास आवाज सही करीजिए जैन साहब की हाँ आरिफ भाई क्या कह रहे थे मैं ये कह रहा था हाँ सजी जी क्या कह रहे थे प्लीज आरिफ भाई आपका सवाल हो गया सजी समाजवादी पार्टी के जो भाई साहब बैठे हैं इनको हमसे नहीं लड़ना चाहिए इनको सरकार से जैन साहब क्या सजी जी जैन साहब के पास प्लीज प्लीज हो गया आप लोगों का भाई मैं जैन साहब आरिफ भाई के सवाल का जवाब ले हमसे लड़ने तुले हम चाहते हैं कि आपका गठबंधन हमारे साथ रहे ठीक है प्लीज हो गया भाई हो गया आप लोग हो गया जैन साहब से जवाब ले लेते प्लीज डिबेट का समय खत्म हो जाएगा प्लीज 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 जैन साहब देखिए नितिन जी जो आपका विषय है जी अभी देखिए प्रसपा के साथी भी बैठे हुए हैं राष्ट्रीय लोकदल के भी साथी बैठे हुए हैं और समाजवादी पार्टी पे तो खैर पेटिशन लग ही रहा है तो सबकी बातचीत से भी ये स्पष्ट हो गया कि वास्तव में कौन क्या चाह रहा है दरअसल अखिलेश यादव जी को इस चीज का डर सता रहा है हमारा सवाल हमारे सवाल का जवाब दीजिए आप हमारे भाई के सवालों का जवाब दीजिए जैन साहब आउट हो जाए और पार्टी को जैसे जैन साहब आप हमारे भाई के सवालों का जवाब दीजिए मुद्दे से भटकाइए ना इसके बारे में आपको जानता पेट्रोल के दाम कब कब होंगे गैस सिलेंडर के दाम कब कब होंगे और देखिए कैसे सुन तो लीजिए जवाब दे रहे हैं नौकरियां कब मिलेंगी 100 दिन पूरे होने वाले हैं इस चीज को स्पष्ट करते हैं और ये महंगाई को लेकर के भी पूछ रहे थे जवाब तो लीजिए अरे रजी भाई आप अकेले नहीं है जवाब तो लीजिए इनका जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ से इनको शायद मालूम नहीं है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से लेकर 2017 तक रही तो मात्र 2.5 लाख सीधा मेरा एक सवाल है जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2017 से लेकर 2022 तक लगभग 5 लाख नौकरियां गायब की गई उनको रोजगार दे रही है 50 लाख नौकरियां इस तरीके से दी गई निगम के 3,000 मुझे ये बताइए अभी जो कमिटमेंट हुआ है सरकार बनने के बाद 100 दिन में नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा
भारतीय जनता पार्टी की हवा खाएगा ये बताइए, जनता पार्टी बहुत महत्वपूर्ण चैनल पे आप बैठे, बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है, ये पूरा चैनल आपको सुनना, पूरा देश सुन रहा, बताइए नौकरियां कब दे रहे हैं। चलिए ठीक है, प्लीज समय कम है, ठीक है, मुकदमे है तो अब तक जेल से बाहर आ गए होते, ठीक है ठीक है ठीक है, मुकदमे हुए तो ठीक है, आपके लिए और आसान था उनको बाहर लाना, हर चीज में तो आप जाति और धर्म ढूंढने लगते हैं। जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो आपको ब्राह्मण नजर आया, जब मुख्तार अंसारी की संपत्तियों पर गुंडोल चला तब आपको मुस्लिम नजर आया, जब अतीक अहमद की संपत्तियों पर गुंडोल चला तब आपको मुस्लिम नजर आया, और इसी तरीके से अंदर घुस जाता है तो आपको मुस्लिम नजर आता है, आतंकवादियों के मुद्दे वापस लेने होते हैं, बताइए जवाब दीजिए। आरिफ भाई के जो है आप मुद्दों से आरिफ भाई ने जो सवाल रखा उसको भटकाने के लिए आपने तुरंत मोड़ दिया। आप बताइए 100 दिन होने वाले, 10,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं ना, बिल्कुल दे रहे, परेशान मत होइए, कब दे रहे बता दीजिए, 5 दिन। चलिए प्लीज ठीक है, समय कम है, समय कम है, समय कम है, और एक बड़ी खबर भी मैं, ठीक है प्लीज प्लीज, थैंक यू आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत, ठीक है रजी भाई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल को इस वक्त हटा दिया गया है, अगला डीजीपी कौन होगा ये देखना है हमें। फिलहाल आज की इस डिबेट में आप सब जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना अपना पक्ष रखा। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उठापटक अभी भी जारी है, चुनावों के नतीजे आ जाने के बाद भी, और सरकार भी कहीं ना कहीं सख्त है, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है कानून व्यवस्था को लेकर के। अब से थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल को भी हटाया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो अपने शासकीय कार्य में सही तरीके से नहीं कार्य करते हुए दिखाई दिए थे सरकार को। फिलहाल आज के इस डिबेट में था, मुझे धीरे नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।